हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग दो साइंस की हम तैयारी कर रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, क्लास नंबर 30 रहेगी, जिसमें हम पढ़ रहे थे सजीव जगत। ठीक है, तो जो सजीव जगत है उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में हमने बेसिक से आपको सारी जानकारी दे दी थी। इसके बाद कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वो क्या कहलाते थे, ऊतक कहलाते थे, यानी टिशू कहलाते थे, तो इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी हमने दे दी थी। ठीक है, इसके बाद हमने तीसरा जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा सजीव जगत का वर्गीकरण। क्या था, सजीव जगत का वर्गीकरण। क्या था, सजीव जगत का वर्गीकरण। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो सजीव जगत का वर्गीकरण जिसमें आपके द्वि जगत पद्धति से लेकर, जो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जो पद्धति थी वो थी आपकी द्वि जगत पद्धति। कौन सी थी, द्वि जगत पद्धति। इसके बाद आती है आपकी तीन जगत पद्धति, फिर आती है आपकी चार जगत पद्धति, फिर आती है आपकी पांच जगत पद्धति। तो इसी पांच जगत प्रणाली का हम अध्ययन कर रहे थे, तो इसी क्रम में हमारा जो लास्ट जगत बचता है पादप जगत, वो हम देख रहे थे। ठीक है, तो पादप जगत में भी लगभग सारी चीज़ें हो चुकी थी, केवल पादपों में पोषण बचा हुआ था कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो आज के सेशन में हम यही चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पादपों में पोषण क्या देखेंगे अपन, पादपों में पोषण। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। तो देखेंगे हम पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन प्लांट्स में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो आप यही समझें कि जो पोषण है अर्थात जो न्यूट्रिशन है, क्या है, न्यूट्रिशन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, न्यूट्रिशन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो पोषण शब्द है इसकी उत्पत्ति पोषक से हुई है, किससे हुई है, पोषक शब्द जो होता है इससे आपकी उत्पत्ति हुई है न्यूट्रिशन की। फिर पोषक पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है। पोषण क्या होता है, जिसे जीव, पोषक तत्व वो होते हैं जिसे जीवधारी अपने वातावरण से, पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ऊर्जा और स्रोत के लिए, मतलब जिससे मनुष्य को या अन्य जो प्राणी होते हैं उनको ऊर्जा मिल पाए और वो इसका उपभोग कर अपने कार्य कर सके। अब यहाँ पर आपको देखना है पोषण की विधियाँ, क्या देखना है आपको, देखना है यहाँ पर पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, पोषण की विधियाँ। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में बांटा जाता है। कितने समूहों में बांटा गया, दो समूहों में। एक तो होता है आपका स्वपोषी पोषण, कौन सा होता है, स्वपोषी पोषण। और एक होता है आपका दूसरा परपोषी पोषण, कौन सा होता है, परपोषी पोषण। तो इंग्लिश नाम भी इनके कभी कभी पूछ लेते हैं। तो स्वपोषी मतलब आपका होता है आटो ट्रॉफिक, क्या होता है, आटोट्रॉफिक, आटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ये आपको याद रखना है। और ये परपोषी होता है आपका कौन सा, हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक परपोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें जो परपोषी और स्वपोषी होते हैं, तो जो स्वपोषी है आपका कौन सा है, स्वपोषी जो है आपका, इसमें आपको याद रखना है स्वपोषी पोषण में कि इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करेगा। कौन करेगा, जीव जो है अपने पदार्थ या जो भोज्य पदार्थ होगा उसका निर्माण स्वयं करेगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, तो स्वपोषी में थोड़ा सा आप याद रखिए, यहाँ पर आपको यहाँ फिर से बता दें कि जो स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दो प्रकार का पोषण होता है, एक है स्वपोषी। तो स्वपोषी में आपके सभी हरे पौधे आ जाएंगे, कौन आ जाएगा, सभी हरे पौधे आ जाएंगे। इसके बाद आपके जो नील हरित शैवाल होते हैं, नील हरित शैवाल आ जाएंगे। इसके बाद आपका कुछ जीवाणु भी इसमें आ जाते हैं। और अधिकांश जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, कौन होते हैं, एक कोशिकीय जीव, ये सब के सब इसी में आ जाते हैं। अब देखिए, इस प्रकार के पोषण करने वाले जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके स्वपोषी कहलाएंगे। फिर आपका दूसरा जो होता है वो परपोषी, नाम से ही स्पष्ट है, परपोषी अर्थात दूसरे जीवधारियों से पोषण प्राप्त करते होंगे। ठीक है,
तो परपोषी में क्या हो जाएगा आपका, कि इस प्रकार के पोषण में जो जीव होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। इस प्रकार का पोषण जो है सभी जो जंतु होंगे, सभी जो कवक होंगे तथा कुछ एक कोशिकीय जीव इनमें ये पोषण पाया जाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में यह पोषण पाया जाएगा। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो स्वपोषी होंगे और इसमें आपके जो आ जाएंगे वो जीवाणु, एक कोशिकीय जीव और नील हरित शैवाल। ठीक है, जबकि परपोषी में आपके कौन आ जाते हैं, तो इसमें आपके ये जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और इसके अलावा सभी जंतु, कवक, एक कोशिकीय जीव इसमें आ जाते हैं। अब जो पोषक तत्व हैं, पौधों को कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पौधों में पोषण के विभिन्न तत्व हैं इनकी क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो जो पौधे होते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्व, कितने 17 जो आवश्यक तत्व हैं इनकी आवश्यकता होती है, जिनमें से ये 17 हैं तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें से आपके जो है 9 तत्व दीर्घ पोषक तत्व होंगे। 9 तत्व कैसे होंगे, दीर्घ पोषक तत्व और आपके यहाँ पर जो है, आपके जो है यहाँ पर 8 हो जाएंगे लघु पोषक तत्व। तो पहले तो आपको इनके नाम ही याद रखने हैं कि टोटल कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को, तो 17। इनमें से 9 कौन से हैं, जिनकी अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है वो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं आपके, और जिनकी कम मात्रा में थोड़ी ज़रूरत होती है वो आपके लघु पोषक तत्व होते हैं। अब इन 9 का नाम याद रखिए और इन 8 का नाम आप याद रखेंगे। तो दीर्घ पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला सबसे पहले इसमें याद रखेंगे, आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, कार्बन हो गया, इसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन तत्व हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, फिर आपका चौथा हो जाएगा नाइट्रोजन, कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका पांचवा जो पोषक तत्व रहेगा वो हो जाएगा आपका फास्फोरस, कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस, फिर इसके बाद आपका छठवा जो रहेगा कौन सा, थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर जो आपका छठवा पोषक तत्व रहेगा, कौन सा, छठवा पोषक तत्व आपका हो जाएगा पोटेशियम, कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। के बाद आपका जो सातवां होगा वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। फिर आपका जो आठवां पोषक तत्व रहेगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम, फिर हो जाएगा आपका लास्ट नौवां पोषक तत्व जो है वो सल्फर। तो ये कौन से तत्व हैं आपके, ये हैं जिनकी अधिक मात्रा में पौधों को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर दीर्घ पोषक तत्व तो ये हो गए, अब देखते हैं लघु पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो जो लघु पोषक तत्व हैं यहाँ पर देखेंगे इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, कितनी होती है, 8 होती है। तो ए तो आपके होगा दीर्घ, ठीक है, और ए हो जाएंगे आपके लघु, कौन से हो जाएंगे, लघु पोषक तत्व। तो लघु की संख्या है 8। पहला देखेंगे आप यहाँ पर लोहा, इसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा जस्ता, इसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा तांबा, इसके बाद आपका चौथा हो जाएगा निकल, फिर आपका पांचवा हो जाएगा पोषक तत्व मैंगनीज। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए कौन सा लघु पोषक तत्व है और कौन सा आपका दीर्घ पोषक तत्व है। ठीक है, बोरोन, फिर सातवा हो जाएगा आपका यहाँ पर मॉलीबेडेनम। आपने नाम तो सुना ही होगा मॉलीबेडेनम का, जिससे गोभी में बेहपटल रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, आठवां हो जाएगा क्लोरीन। तो ये आप याद रखिए कि कौन कौन से आपके दीर्घ पोषक तत्व हैं और कौन कौन से आपके लघु पोषक तत्व हैं। ठीक, अब देखिए एक एक करके, इसके बाद एक और आप चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा आप देखें यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, क्रांतिक तत्व कौन कौन से कहलाते हैं, कौन से आपके क्रांतिक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए क्रांतिक तत्व, ये तो हो गए दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। अब क्रांतिक तत्व क्या कहलाते हैं, तो अधिकांश मृदाओं में, क्या अधिकांश जो मृदाएं होती हैं इनमें
नाइट्रोजन आपका, इनमें कौन सा तत्व? नाइट्रोजन, इसके बाद आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, और फिर आपका पोटेशियम। आपने अक्सर नाम सुना होगा NPK, क्या सुना होगा? NP और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम। इनकी कमी हो जाती है और भूमि कैसी हो जाती है? बंजर टाइप की हो जाती है। तो इनकी सबसे अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इस कारण इन तत्वों को क्या कहा गया है? क्रांतिक तत्व कहा गया है। ठीक है, तो ये आप इतना देखिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके कि जो कार्बन है आपका, हाइड्रोजन है आपका, और जो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन है, इनकी कितनी कितनी मात्रा में ज़रूरत होती है और इनका क्या उपयोग होता है, एक एक करके सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपका जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं उनमें। सबसे पहले आप एक साथ ही देख लेंगे इनको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कौन से तत्व हैं आपके? दीर्घ पोषक तत्व हैं। तो देखिए, पौधों को, जो पौधे होते हैं उनको, इनकी अपने आवश्यकता अनुसार इनको ग्रहण करेंगे। किसके अनुसार? अपनी जितनी इनको आवश्यकता होगी पौधों को इस तत्व की, कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी हिसाब से ग्रहण करते हैं। और कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो आप इन्हें कह सकते हैं कि पौधे इन्हें अपने वातावरण से आवश्यकता अनुसार जल से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं? जल से ग्रहण करते हैं, जल से ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कहाँ पर? कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी होती है, इसके रूप में डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते। किस रूप में ग्रहण करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जिसे CO2 कहा जाता है, इस रूप में ग्रहण करेंगे। और उसके सहयोग से जो है पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो ऑक्सीजन होता है आपका, क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसे हम O2 कहते हैं। क्या कहते हैं? O2 कहते हैं। तो जीवित कोशिकाओं के श्वसन में ये काम में आता है। किसको? जो जीवित कोशिकाएँ होती हैं, जैसे मनुष्य को ही ले लीजिए, तो जीवित कोशिकाओं के श्वसन के लिए ज़रूरी होता है। एक बात हुई। इसके बाद पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है, क्या होती है? पौधों की कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है, जो सेल वॉल, हमने बहुत अच्छे से बताया है आपको, किसमें? कोशिका वाले टॉपिक में। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसके जो है निर्माण में ये तीनों तत्व ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। कौन कौन से? कार्बन आपका, हाइड्रोजन आपका और ऑक्सीजन। ठीक, इसके बाद आपका जो होगा वो होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और यह तत्व प्राप्त करेंगे या करते हैं, और यह तत्व पौधों में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं आपके, उसके निर्माण में उत्तरदायी होता है। और इसकी कमी से पौधों की कमी से क्या होगा? इसकी कमी से पौधों की जो है वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाता है? नाइट्रोजन की कमी से पौधों की जो यहाँ पर वृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाती है। और यदि अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है? नाइट्रोजन की अधिकता, तो अधिकता होने से पौधों में फूल जो हैं, पौधों में फूल विलंब से उगते हैं, पौधों में फूल विलंब से उगते हैं। तो याद रखिए, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं पौधे? कमी से वृद्धि रुक जाएगी पौधों की, और अधिकता से पौधे जो हैं वो उनमें फूल विलंब से उगेंगे। फिर अगला तत्व आपको याद रखना है, सल्फर। तो जो सल्फर होता है, यह तत्व पौधों के जो है प्रोटीन और जीव द्रव्य के निर्माण में, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो यह तत्व प्रोटीन और जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ लिख ही देते हैं, निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद सल्फर है, इसकी कमी हो जाने से पौधों में क्या हो जाता है? कमी हो जाने से पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पेड़
पौधों की पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। किसकी कमी से? सल्फर की, पीली हो जाती हैं। और पौधों में क्या नहीं होते? फल नहीं बनते, फल नहीं बनते। एवं बीज निर्माण, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्व पौधों में फल नहीं बनेंगे, शाकीय वृद्धि को ये प्रोत्साहित करता है। तत्व जड़ के निर्माण में भूमिका निभाता है, बीज निर्माण को उत्तेजित करता है। और जो दलहनी फसलें होती हैं आपकी, जो दाल वाली फसलें हैं, दलहनी फसलों की जड़ों के गांठों के निर्माण में ये मदद करता है। ठीक है, तो चार तत्व हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका, और एक हो गया सल्फर। अब अगला तत्व देखिए, अगला तत्व हो जाएगा आपका कैल्शियम। कौन सा हो जाएगा? अगला तत्व आपका हो जाएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में देखते हैं, ये हो जाएगा आपका चौथा तत्व। कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है यह डीएनए, आपने नाम सुना होगा, और आरएनए, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन से संयुक्त करने, किससे? इनको प्रोटीन से संयुक्त करने, प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में। तो पूछ सकता है कि बताइए कौन सा एक पोषक तत्व, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा क्रोमोसोम के निर्माण में भूमिका निभाता है। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर वसा के संश्लेषण में, वसा के संश्लेषण में। फिर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। अब देखेंगे कि इसकी कमी से क्या हो जाता है पौधों में। तो इसकी कमी से कुछ पौधों में बीज नहीं बनते, सभी में नहीं, कुछ ही पौधों में क्या नहीं होते, बीज नहीं बनते। एवं हरित लवक उचित ढंग से, जो आपका क्लोरोफिल होता है वो उचित ढंग से कार्य नहीं करता, उचित ढंग से कार्य नहीं करता। फिर अगला तत्व आपको याद रखना है, होता है पांचवा, हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो यह प्रकाश संश्लेषण में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना था पिछली बार, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन करके आ सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम, सॉरी इसमें देख लें थोड़ा सा कि इसकी कमी से क्या होता है। तो इसकी कमी से पौधों में हरी महीनता क्या हो जाती है? हरी महीनता मतलब जिसे क्लोरोसिस कहते हैं, ये रोग हो जाता है। फिर देखेंगे अगला आपका हो जाएगा छठवां तत्व, हो जाएगा आपका लोहा, आयरन जिसे कहेंगे। तो यह तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी लोह तत्व, जो लोहा है, ये निभाता है। और जीवद्रव्य और क्रोमेटिन में ये पाया जाता है। और इसकी कमी से हो जाता है क्लोरोसिस। क्या हो जाता है कमी से? वही क्लोरोसिस रोग हो जाता है। किससे? कमी से। इसके बाद आपका मोलिबेडेनम आता है। तो मोलिबेडेनम जो होता है, इसकी कमी से फूल गोभी और जो पत्ता गोभी होता है उसमें बहपटेल रोग हो जाता है। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें आपको पौधों में पोषण के बारे में याद रखनी है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो है हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक। ठीक है, जैसे आपका कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसके बाद ऊतक हमने पढ़ लिया था, और बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद हमने देखा पौधों में पोषण दो तरीके से होता है, एक आपका स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी मतलब जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और परपोषी को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। फिर आपका जो स्वपोषी पोषण होता है, इसमें आपके सभी हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, नील हरित शैवाल आ जाएगा, जीवाणु और एक कोशिकीय जीव आ जाते हैं। परपोषी में आपका जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाएंगे, इसमें जंतु कवक आ जाएंगे और कुछ एक कोशिकीय जीव इसमें आ जाते हैं। फिर आपका जो है
पौधों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, इनमें से 9 आपके दीर्घ पोषक तत्व होते हैं और 8 आपके लघु। तो पहले आपको इनके नाम याद रखने हैं। दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। फिर आपके लघु पोषक तत्वों में लोहा, जस्ता, तांबा, निकल, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। फिर ग्रांतक तत्व हो कौन कौन से हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनको कहते हैं एन, पी और के। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये एक एक करके हमने देखा कि किसकी कमी से कौन सा मतलब लक्षण प्रदर्शित करते हैं पौधे, ये चीज़ें। इसके बाद आपको अदर चीज़ें भी हमें बतानी थी, जैसे आपके जो है पौधों के बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? पौधों के जो है बॉटनिकल या वानस्पतिक नाम कह सकते हैं, वानस्पतिक नाम पढ़ने हैं। इसके बाद किस पौधे में कौन सा कलर किसके कारण होता है, ये हमें देखना है। और जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर बार आता है, तो ये चीज़ देखनी है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और यदि क्लास अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि आप पहले के जैसा अध्ययन करना चाहते हैं या इस पेन टैप के माध्यम से मतलब इस तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।